हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज द वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस 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 एंड दिस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो फ्रेंड कैसे भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, जैसे कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसे कोऑर्डिनेट दे दिए ए बी सी एंड डी। ए मान लिया, दे दिया मेरे को माइनस का 4 माइनस का 2, बी कोऑर्डिनेट है माइनस का 3 एंड माइनस का 5, सी दे रखा है मेरे को 3 और माइनस का 2, और डी दे रखा है 2 और 3। बोला गया इस एरिया का, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। ठीक है फ्रेंड, अब इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया ए सी। ठीक है, करने के बाद मैं इन दोनों का एरिया क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, दो अलग अलग ट्रायंगल हो गए, दोनों का एरिया निकालूंगा। आखिर में क्या कर दूँ, दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी इसका निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं ए डी सी की। तो ए डी सी के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए ए माइनस 4 माइनस 2, डी 2 एंड 3, और सी 3 और माइनस 2। बेसिकली फ्रेंड, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूँ, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी फॉर्मूला होगा 1/2 मॉड, पहले लिखेंगे x1, फिर लिखेंगे x2 और फिर लिखेंगे x3, तीनों को लिख दिया। फिर शुरुआत होगी 2 से, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 और 1 माइनस 2। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें से कौन सी वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो जरा, ये x1, y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, तीनों की वैल्यू मेरे पास गिवन है, बस वैल्यू को पुट करना है 1/2। पहले x1 है माइनस का 4 ब्रैकेट, x2 ये मेरा है 2, ठीक है, और फिर मेरा x3 ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, लिख दिया। लिखने के बाद 2 माइनस 3 है, 2 कितना है मेरा 3, माइनस का 3, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3, 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, फिर 1 माइनस 2 माइनस का 2, फिर कौन है बाई 2, कितना है 3 है, 1/2 मोड माइनस का 4 कितना है 5, 2, 2 में 2 गया 0, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, फिर मोड आ गया 1/2, 4 5 ज़ा 20 माइनस का 20, 0 3 5 ज़ा 15, दोनों माइनस के हैं, दोनों को ऐड कर दिया माइनस का 35/2, लेकिन मॉड में होने की वजह से किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा, 35/2 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, आने के बाद ये मेरा पहला ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए डी सी। अब चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी पर। अब ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस 4 माइनस 2, बी के माइनस 3 माइनस 5, सी के 3 माइनस 2, तीनों के कोऑर्डिनेट दे दिए। अब तीनों की मैं वैल्यू भी रख देता हूँ। ठीक है, ये है मेरा x1 y1 x2 y2 x3 और y3, तीनों को रख दिया। अब इनके अंदर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2, फर्स्ट ऑफ ऑल x1 x2 और x3, इन तीनों को पुट कर देना है। ठीक है, पुट करें, ये मोड का साइन है। ठीक है, फिर आता है मेरा 2 माइनस 3, 2 कितना माइनस का 5, और 3, 3 कितना माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, फिर है 3 माइनस 1, 3 ये रहा, ये रहा माइनस माइनस प्लस माइनस का 2, फिर है 1 माइनस 2, 1 है माइनस का 2 और 2, 2 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, मॉड माइनस का 4 कितना आया माइनस का 3, माइनस का 3 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 3, मॉड
वन बाय टू, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ज़ीरो हो गया, थ्री थ्री ज़ा नाइन, ट्वेल्व में नाइन ऐड कर दिए, कितना आ गया 21/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को तो पूरे का एरिया चाहिए ना, एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके लिए मैंने क्या किया था, एरिया ए डी सी प्लस एरिया ए बी सी, दोनों को प्लस कर देंगे। ए डी सी कितना आया 35/2, ये आया 21/2, दोनों का बेस सेम है, 35 प्लस में 21, दोनों का ऐड किया 6 और 5, 56 में मैंने 2 का डिवाइड दिया, 28 यूनिट स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।